और आप रहने वाले बड़नगर का यहाँ आ रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका टिकट जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत और उनके सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है उनकी मांग कर उसके संदर्भ में भी जानकारी हमें जानकारियाँ जागरूकता और शिविर के साथ यहाँ पर बताई जा रही है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर महाविद्यालय के जनसाधिकारी अजय शर्मा हमारे भी उपस्थित हैं, शेषाई कॉलेज से महेश शर्मा भी हैं और कियोस्क संचालक हमारे आयुष जायसवाल भी हमारे बीच में हैं। तो हम सभी का स्वागत करते हैं कार्य संचालक का। तो ये मुझे वापस अभी थोड़ा सा क्लिक कर गया तो मैंने आप लोग बता रही कि आपको टीसी और माइग्रेशन अब महाविद्यालय में एडमिशन के समय जमा नहीं करना है। कारण इसका ये है कि अब नई शिक्षा नीति में ही आप दो डिग्री एक साथ में ले सकते हैं, एक आपने दो, लेकिन उनका समय पीरियड अभी ये आपका वहाँ के क्लासेस का टाइम अगर 10 से 12 है तो दोनों क्लासेस का टाइम एक जैसा नहीं, क्लासेस आपकी प्रश्न तो आपको टीसी और हमारे ट्रेनर के रूप में नोडल ऑफिसर माधवी अटिगा और रची सिंह दोनों गए और उन्हें जो भी ट्रेनिंग दी है और जिस तरह से बताया गया है तो हम सभी लोगों को ये सामने आ रही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है इस संबंध में हमें शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा में आज सत्र ई प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत सत्र 2023-24 के अंतर्गत जागरूकता शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसकी पहले भोपाल में ट्रेनिंग हुई थी, हमें प्रशिक्षण दिया गया था। तो अभी चूँकि 2 साल हो रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया के और इसमें ये देखा गया कि छात्रों के इससे भी और सत्यापन अधिकारियों के हैंड से भी बहुत सी गलतियां हो रही हैं या कुछ संदेह स्थितियां रहती हैं कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो इसी के संदर्भ में सभी में जागरूकता लाने के लिए और यहाँ पर प्रशिक्षण रखा गया है। तो मुख्य रूप से इसमें ये बताया गया है कि मेन एक जो 2-3 इसमें चेंजेस हुए हैं कि अब जो 2300 के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया होगी उसमें बच्चों को टीसी और माइग्रेशन नहीं देना पड़ेगा क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चे 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं, 2 डिग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस ये है कि टाइम का क्लेश आपस में क्लेश नहीं होना चाहिए टाइम उनका, तो टीसी और माइग्रेशन उनको जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो नामांकन शुल्क है इस बार एडमिशन के समय जो 1000 रुपये बच्चों से शुरुआत में किस्त ली जाएगी उसी के अंतर्गत नामांकन शुल्क इनका जमा कर दिया जाएगा तो अलग से नामांकन शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। और आगे के सत्र के लिए उन्होंने एक मुख्य जो है चेंज जो करने जा रहे हैं कि प्रवेश के समय ही छात्रवृत्ति आवेदन और परीक्षा फॉर्म का आवेदन और नामांकन ये चारों चीज़ें एक साथ में हो जाए तो हो सकता है कि और जहाँ तक ये उम्मीद है कि हो जाएगा अगले सत्र के लिए आगे चारों चीज़ें विद्यार्थी एक ही बार में कर पाएंगे तो वो बार बार कियोस्क सेंटर पर जाकर पैसा खर्च करने के लिए बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पर आज जो महाविद्यालय में कार्यक्रम जो किया जा रहा है इसमें हमने निजी महाविद्यालय शेषाई कॉलेज वर्धमान कॉलेज इसके साथ ही कियोस्क सेंटर से संचालकों को बुलाया है, सभी विद्यार्थियों को शामिल किया है, पूरे स्टाफ को भी इसमें शामिल किया है कि सभी ई प्रवेश प्रक्रिया को अच्छे से समझ लें और बच्चों को मतलब कोई दिक्कत ना हो और वो सहज रूप से आसानी से अपनी पूरी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर पाए। और प्राचार्य का और सभी स्टाफ का इसमें पूरा हमें सहयोग प्राप्त हुआ है और मेरे साथ में ट्रेनर के रूप में श्री रची सिंह जी गए थे, वो भी आपको कुछ जानकारी देंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब शासन ने जो है ई प्रवेश के लिए जो है ट्रेनिंग रखी गई है ताकि जो बच्चों की जो प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाए क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा था ज़्यादातर जो ऑनलाइन प्रोसेस है लोग लेके आए हैं जब बच्चा एग्ज़ाम इसको उसका फॉर्म भरने आता है एडमिशन का तो उसमें क्या रहता है कि ऑनलाइन प्रोसेस इसलिए लाए थे ताकि चीज़ें बहुत ईजी वे में हो जाए, लेकिन क्या होता है कि बच्चा कभी कॉलेज में चक्कर काटेगा कभी वहाँ बाहर से जाके ऑनलाइन जो उसका जो सेंटर रहता है वहाँ चक्कर काटेगा
अभी चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब की बार जो ऐसा करना है कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाए, तो बच्चे को सिर्फ एक ही बार फॉर्म भरना रहेगा, और आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि इनको अलग से स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरना नहीं रहेगा, एक बार में सब कुछ हो जाएगा। जैसे मैडम ने बताया, डॉक्टर मानी मैडम ने, कि बच्चे को जो है अलग से पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता था कि एनरोलमेंट के लिए अलग से बच्चों को जाना पड़ता था, उसके लिए जैसे जो एमपी बोर्ड वाले रहते हैं उसके लिए 200 रुपये शुल्क रहता है, अदर बोर्ड वालों के लिए 400 रुपये शुल्क रहता है। तो जब ये शुल्क कटता था तो साथ में उनको पोर्टल फीस भी देनी पड़ती थी, तो बार बार वो पोर्टल फीस देने से भी बचेंगे। और इसमें क्या है कि महाविद्यालय द्वारा जो है जितने जो सेंटर हैं उनके पास जा जा कर भी उनको जो है इसके बारे में अवेयरनेस दी गई, महाविद्यालय में क्या क्या इस बार पाठ्यक्रम चलेंगे इलेक्टिव के रूप में, वोकेशन के रूप में, वो भी बताया गया आज की इस कार्यशाला में।